हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बुक की समरी लेकर आई हूँ जो है हियर योरसेल्फ बाय मिस्टर प्रेम रावत। ये एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और अपने नॉलेज के लिए बहुत जाने जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा इस चैनल पर नई नई किताबें लाने की कोशिश करती हूँ, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपको लाइफ के फंडामेंटल सिखाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जगह बहुत सिंपल बातें करती है, जो कि हम सब जानते हैं। बट इसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें वो नॉलेज बहुत इजीली समझाती हैं और हम बहुत जल्दी उनको अडैप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी एक कहानी है, पहली कहानी जिससे मैं शुरुआत करूंगी वो है एक ब्रोकन पॉट की। जी हाँ, एक टूटे हुए मटके की। एक टूटा हुआ मटका आपको क्या ही सिखा सकता है, बट इस कहानी में जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक टूटा हुआ मटका भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। पहाड़ों की कहानी है। एक लड़का हमेशा एक टूटे हुए मटके को ऊपर तक लेके जाता था, उसमें पानी भरकर ले जाता था और वापस ले आता था। जब तक वो वापस पहुंचता, मटका खाली हो जाता। तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये देखो, ये खाली मटका, ये तो क्या ही काम आएगा, ये किसी काम का नहीं है। मटके को ये सुन के बहुत तकलीफ होती है। वो सोचता है कि हाँ, मेरी लाइफ तो व्यर्थ है। वो सोचता है मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो काउंट ही नहीं होता। कई बार हम लोगों को बहुत डिमीन करते हैं उनके काम के लिए, कि जो वो काम कर रहे हैं वो तो कुछ सब्सटेंशियल काम ही नहीं है। सपोज आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो जो आपकी मदद करते हैं पहाड़ चढ़ने में, या फिर अगर आप नदी पार करना चाहते हैं तो जो आपको नाव में बिठाते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटा काम करते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो शायद आप भी सक्सेसफुली वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मटका ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो उस लड़के से कहता है कि तुम मुझे क्यों ऊपर लेकर जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, सारा पानी बह जाता है, सब बाकी के मटके मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तो टूटे हुए हो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। इस पर लड़का मटके को ये समझाता है, जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो क्या कभी तुमने उस रास्ते को देखा है? मटका कहता है नहीं। तो लड़का कहता है कि आज तुम उस रास्ते को देखना। जब लड़का उस मटके को लेकर जाता है ऊपर, तो वो देखता है कि पूरा रास्ता हरा भरा होता है। तो जो पानी रोज उस मटके से गिरता था, उससे वो रास्ता पूरा हरा भरा हो जाता है। ये वैल्यू थी उसके काम की। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक प्रोफेसर डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरी बॉडी में पेन है डॉक्टर, मुझे सर में पेन है, मुझे हाथों में पेन है, मुझे पैरों में पेन है। डॉक्टर उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उन्हें ये कहते हैं कि पेन आपकी पूरी बॉडी में नहीं, आपकी फिंगर में है। जिस फिंगर से आप उस पेन को फील कर रहे हैं, उसी फिंगर में पेन है। ये हमें बताता है कि हमारे चीजों को देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है, हमारी पूरी लाइफ प्रॉब्लम से भरी नहीं है। तो अगर हम ये नजरिया बदल लें तो हमारी लाइफ डेफिनेटली ईजी हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, पर बहुत ईजी हो जाएगा उनके साथ डील करना। इसमें उन्होंने एक महाभारत की कहानी भी बताई है। द्रौपदी वेदव्यास जी के पास गई और उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी, आप मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताइए। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम्हारी वजह से कई लोगों का खून बहेगा और बहुत बड़ी लड़ाई होगी। द्रौपदी ये सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है और वो कहती है कि कुछ ऐसा बताइए कि ये सब ना हो। तो वेदव्यास जी उन्हें तीन चीजें करने को कहते हैं। पहली, कि कभी किसी का अपमान मत करना। तो ये जो स्टोरीज हैं ये हमें कनेक्ट करती हैं अपने आप से। हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर आप अपने घर के गार्डन को देखें तो आप उस पर काफी मेहनत करते हैं। आप जो खराब पौधे होते हैं उनको साइड करते हैं, आप उसकी सफाई रखते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से सींचते हैं। यही सेम ट्रीटमेंट हमारे माइंड को भी मिलना चाहिए। हमारी बॉडी को ये ट्रीटमेंट हम फिर भी देते हैं, पर माइंड को नहीं देते। माइंड में वही गुस्सा, वही एंगर, वही एक्सपेक्टेशंस भर के फिर हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। तो सोल्यूशन तो हमारे अंदर ही है। वो ये है कि एक राजा अपने पुरोहित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे स्वर्ग या नर्क क्या मिलेगा, मुझे बताइए। इस पर पुरोहित जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आपको अभी बता सकता हूं कि आप स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। तो राजा हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि नर्क और स्वर्ग तो मृत्यु के बाद मिलता है, तो अभी कैसे मुझे पुरोहित जी बताएंगे स्वर्ग या नर्क है। इस पर पुरोहित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इस वक्त आप स्वर्ग में हैं,
राजा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि बताइए मैं कैसे स्वर्ग में हूं, बताइए मैं कैसे स्वर्ग में हूं। पुरोहित जी कोई आंसर नहीं देते। इस बात पर राजा चिढ़ जाते हैं। वो बहुत देर तक उनसे पूछते रहते हैं पर वो नहीं बताते। इस पर राजा गुस्से में आ जाते हैं, वो चीखने लग जाते हैं। तभी पुरोहित जी उन्हें कहते हैं कि इस वक्त आप नरक में हैं। कितना सिखाती है हमें ये स्टोरी, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम चिंता कर रहे होते हैं, वही हमारा नरक है। और जब हम अपने साथ टाइम बिताते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, अपने प्रेशियस मोमेंट्स को जीते हैं, अपने प्रेजेंट में रहते हैं, चिंता नहीं करते, वो हमारा स्वर्ग है। हमें बहुत कुछ सिखाती है और ये सारी चीज़ें प्रेम रावत जी ने बहुत अच्छे से बताई हैं। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है और आपकी डेली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देती है। दो चींटियाँ थी, एक चींटी हमेशा चीनी खाती थी और एक चींटी हमेशा नमक खाती थी। एक चींटी चीनी खाने वाली चींटी के घर पहुंची। वहां पर चीनी उसके सामने रखी गई। उसने चीनी को खाया और कहा कि ये तो बिल्कुल नमक जैसी लग रही है। इस पर जो चींटी चीनी खाती थी वो मुस्कुराने लगी और उसने कहा कि पहले तुम अपने मुंह से वो नमक तो निकालो जो तुम लेकर आई हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमें नई चीजें सीखनी है, अगर हमें नए परसेप्शंस बनाने हैं, तो हमें पहले उस जगह को खाली करना होगा। द सीक्रेट बुक में भी मेंशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, आपके घर में बहुत अच्छी चीजें आए, तो आपको हमेशा अपने घर में स्पेस रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम पर जीते हैं और आपको कोई नई चीज सीखनी है, तो पहले आपको अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने पैटर्न्स को खाली करना होगा। कुछ भी हो सकता है, वो आपका एक स्ट्रांग बिलीफ हो सकता है कि मैं हमेशा परेशान ही रहती हूँ। ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना होगा कि आप एक नए पैटर्न के लिए रेडी हैं, एक नई सोच के लिए रेडी हैं, तभी वो नया पैटर्न आप तक आएगा और आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। बहुत आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि हमें सोशल मीडिया ने दिया है। जब भी हमें कोई नई चीज पता नहीं होती तो हमें फोमो होने लगता है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है कि हमें ही नहीं पता। और ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। कुछ कंट्रीज में तो ऐसे लेजी ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जहां पर लोग चलते हुए अपने मोबाइल पर काम कर सके। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है हम सोशल मीडिया पर। उन्होंने बात की है कि आप अपने हार्ट से लाइफ को चलाते हैं या आप अपने माइंड से अपनी लाइफ को चलाते हैं। क्या है आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट? आप अपने दिल की सुनते हैं या आप अपने मन की सुनते हैं? आप अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो हमेशा मस्त रहते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। अगर आप उन्हें डांट भी देते हैं तो बहुत जल्दी आपको माफ कर देते हैं, वो आपके पास वापस उसी एनर्जी के साथ आते हैं। तो हमारे अंदर ये जो चाइल्ड लाइक एबिलिटी है, इसको हमें कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी तरह से आपके लिए और बुक्स के वीडियो जरूर लाती रहूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।